सभी देखने वाले को अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम रेसिपी बनाएंगे कढ़ाई पनीर की। तो यह है 100 ग्राम पनीर। फटाफट से इसमें डालते हैं आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच से भी कम, थोड़ी सी, आधा चम्मच से भी कम ये पीली मिर्च है, ये वाली। बस नमक और मिर्च करके इसे हल्के से, हल्के हाथों से ऐसे मिलाएंगे। और इसको हम ऐसे सेकेंगे। ये मैं अपने स्टाइल से बना रही हूँ, आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। ये मैंने कोयला जला रखा है, इसका भी फ्लेवर आएगा इसमें। ध्यान से, बहुत ध्यान से करना है ये, आपका हाथ ना जले। हल्के हल्के हमें सेकना है इनको ऐसे। तो मैं सारे कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक कोयला रख दिया है इस पर, और इसको स्मोकी फ्लेवर देते हैं, इसको बंद करते हैं। तो ये एक शिमला मिर्च मैंने काटी है, इसे आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। एक बड़ी शिमला मिर्च है, एक प्याज है, ये मैंने ऐसे काटी है, और ये चार पांच हरी मिर्चें हैं, एक टमाटर है चॉप किया हुआ, और ये है इसमें मसाले। एक चम्मच है मोटा धनिया, ये वाला चम्मच, ठीक है। एक चम्मच है कुटा हुआ मोटा धनिया, ये कुटा हुआ ज़ीरा एक चम्मच, ये एक चम्मच पिसा हुआ धनिया, नहीं गरम मसाला, और ये एक पिसा हुआ धनिया एक चम्मच, और ये आधा चम्मच, यही वाला आधा चम्मच से भी आधा चम्मच हल्दी, और ये एक चम्मच नमक है, और एक चम्मच है ये काली मिर्च, ठीक है। तो ये मैंने तेल इसमें डाल दिया है, फटाफट से इसमें डालते हैं ये शिमला मिर्च और प्याज और ये हरी मिर्च। ये 5 मिनट हमें इसे पकानी है, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। 5 मिनट ये से पक जाए फिर दिखाते हैं। तो ये 5 मिनट हो गए हैं, देखिए ये सॉफ्ट हो गई है। तो ये हमें निकाल देनी है सारी। तो अब हम इसमें डालते हैं ये आधा चम्मच राई है, राई जिसे सरसों बोलते हैं, और ये इलायची है, आधा चम्मच ज़ीरा है, और दो हरी इलायची है, और 3-4 लौंग है, ये मैं इसमें डालती हूँ। तेल हमारा गरम है, और अब हम इसमें डालते हैं 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। बहुत गर्मी हो रही है दोस्तों, ख्याल रखिएगा, खाना बनाते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसे 2 मिनट तक भूनते हैं। अब हम इसमें डालते हैं ये टमाटर जो चॉप किए थे, और इसे भी 2 मिनट भूनते हैं। तो अब हम इसमें डालते हैं ये सारे मसाले। थोड़ा सा इसमें डालते हैं पानी, थोड़ी सी इसमें डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च, और 2 चम्मच डालते हैं इसमें ये पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज का 3 चम्मच। अब 5 मिनट इसको भूनने देते हैं फिर दिखाते हैं। तो दोस्तों 5 मिनट हो गए हैं, ये सारी सब्ज़ी जो हमने फ्राई की थी ये सब इसमें जाएगी। ये बहुत अच्छी डिश है, और ये फटाफट से बन जाती है। इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिए, बनाइएगा मेरे स्टाइल से। कढ़ाई पनीर बहुत मशहूर डिश है। ये देखिए हमारा स्मोकी फ्लेवर इसमें आ गया है, और अब हम इसको ये निकाल देते हैं।
तो चलिए देखते हैं दोस्तों अपनी हांडी पनीर को। जी हाँ जी, ये बिल्कुल परफेक्ट हो रही है, ऐसी ही होती है। इसकी ग्रेवी ज़्यादा थिक नहीं होती, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कम या ज़्यादा। ये मैं पनीर इसमें डाल रही हूँ। और अब हम इसे 5 मिनट और पकाएंगे और फिर ये डन है सब्जी। तो देखिए ये फाइनल लुक, हांडी पनीर, कढ़ाई पनीर सॉरी, ये देखिए बहुत टेस्टी है, लजीज है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।